नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसी नीड के लिए जो कि हम लोगों के वर्क फ्रॉम होम हो, या जैसे कि मैं यहाँ काम करता हूँ तो ऐसी जहाँ पर आप लोग कहीं बैठे हैं जहाँ पर आपको काफ़ी गर्मी लग सकती है और मौसम भी काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिड हो रखा है, तो एक पर्सनल कूलर के लिए बारे में बात करेंगे। तो आज मैं आपके लिए वही लेके आया हूँ, एक कैंडेस कंपनी की तरफ से काफ़ी अच्छा पर्सनल कूलर जो लगभग इतना बड़ा होगा, बस इतना बड़ा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। दोस्तों, काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी और क्वालिटी साथ में ये कूलर आता है, एक साल की गारंटी साथ में इसके है, और उसका जो मटेरियल बना हुआ है काफ़ी अच्छा मटेरियल है, इसकी हवा की डिलीवरी काफ़ी अच्छी है, और क्या क्या खास चीज़ है इस कूलर में वो हम लोग जानेंगे इसी वीडियो में, तो बने रहिएगा अंत तक। और अगर आपने अभी तक गेयर नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करिएगा, ताकि मैं आपके लिए ऐसा ही यूजफुल वीडियो आगे भी लाता रहूं। तो दोस्तों, देर किस बात की, शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं क्या खास है इस मिनी कूलर में। तो दोस्तों, ये है कैंडेस का मिनी कूलर जो कि मैंने ऑर्डर किया है अपने वर्क स्टेशन के पास लगाने के लिए, ताकि गर्मी गर्मी का इशू ना हो। और इसका जो स्पेसिफिकेशन है, देखिए 80 वाट का है, और साथ ही जो इसकी एयर डिलीवरी है वो लगभग 600 CMH है, जो काफ़ी अच्छी बात है। एक साल की आपको वारंटी मिलती है। और जो फ़ैन का टाइप है वो है ब्लोअर, और इसका MRP है लगभग 7000 रुपये का है, लेकिन ये 3999 में मिला है। तो इन ऑल काफ़ी ठीक ठाक सा ये मुझको लगा, इसे मैंने ऑर्डर किया है। और इसको अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या मिलता है। और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं इसका स्पेसिफिकेशन, 80 वाट 5 किलो, और इसकी जो लंबाई चौड़ाई का जो मेज़रमेंट है वो ये है, वो आप देख सकते हैं। साथ ही अगर इसकी मैं बताऊँ इसकी लंबाई, तो इसकी लंबाई लगभग, ये ऊँचाई होगी लगभग 2.25 फीट और चौड़ाई होगी लगभग 1.25 फीट। तो इस तरह कुछ डायमेंशन है। अब मैं इसको ओपन करके आपके सामने रखता हूँ, फिर हम लोग टेस्ट करते हैं कि इसका कितना जो एयर का जो डिलीवरी है वो कैसी है। साथ ही आप देखते हैं इसमें आइस चैम्बर मिलता है, ऑटो स्विंग का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर इन्वर्टर के कंपैटिबल है, साथ ही इसमें डस्ट फिल्टर का नेट लगा हुआ है। और दूसरी अगर स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं हम लोग हैं, तो क्यूड्रा फ्लो टेक्नोलॉजी है और हनी कॉम इसमें मिलता है, और आइस चैम्बर मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो बस इतना कुछ लिखा हुआ है बॉक्स में। चलिए जल्दी से इसको ओपन करके देखते हैं। इस तरह का यहाँ पर आपको सब कुछ रखा हुआ मिलता है। इसको हम लोग ओपन करते हैं, ये मैंने इसका निकाल लिया, साथ ही ये इसका कुछ इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, इसको हटाते हैं। साथ ही ये इसकी जो पन्नी लगी उसके अंदर ही है, तो इसको हमको निकालना होगा। इसको मैं निकाल के आपको दिखाता हूँ। कुछ इस तरह से दिखता है ये, अभी पन्नी में लगा हुआ है, तो मैं अभी पन्नी निकाल के देखता हूँ। काफ़ी छोटा सा क्यूट सा है, चलिए देखते हैं। और इसके देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, और इसके पीछे हनी कॉम है, साथ ही नेट लगा है ताकि यहाँ पर मच्छर वगैरह अंदर जा पाएँ। और इस तरफ भी कुछ नहीं है, पीछे के साइड में आपको एक नेट मिलता है, और इसके पीछे आपको हनी कॉम का जो पैड है वो देखने को मिलेगा। साथ ही अगर यहाँ पर बताऊँ मैं आपको, देखिए यहाँ पर ये आइस चैम्बर है, और ये जो इसके दो स्पीड कंट्रोल आते हैं, ये है आपका स्विंग, कूल स्विंग और कूल और ऑफ, ये है हाई मीडियम लो, ये फैन का है, ये आपका इसका पंप का है। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। साथ ही यहाँ पर वाटर इंडिकेटर भी दिया गया है। तो कुछ इस तरह का हमें ये स्मॉल ब्यूटी मिलती है, काफ़ी सुंदर सा है, इतना ज़्यादा क्यूट है कि मैं आपको क्या बताऊँ। साथ ही अगर हम इसको ओपन करें तो ओपन हो जाए, भाई लिड का लॉक लगा हुआ है। हाँ देखिए ये आ गया इस तरह का। यहाँ पर आपको वेंट वगैरह हो शायद पानी जाने के लिए, पानी कहाँ, ये देखिए ये यहाँ पर वेंट है पानी जाने के लिए, और यहाँ पर आप अपने जो आइस क्यूब्स हैं वो यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं ताकि पानी में वो चले जाए। यहाँ पर लॉक है और यहाँ पर लॉक है, काफ़ी नीडल की। प्लीज़ टर्न ऑफ एयर कूलर वाइल फिलिंग वाटर, यहाँ से पानी भर सकते हैं आप हैं, या फिर आप अपना यहाँ पर आइस क्यूब डाल सकते हैं। और जो यहाँ पर ये है, काफ़ी क्यूट सा है भाई, ऑसम, कुछ इस तरह का ये आपको दिखता है। और यहाँ पर आप जब इसको ऑन करेंगे तब आपको इसके अंदर ये लेफ़्ट राइट का ऑप्शन दिखेगा, अदरवाइज़ ये ऑप्शन जो है मेरे ख्याल से मैनुअल है ऊपर नीचे का। और देखिए आप देख सकते हैं इसके अंदर एक ब्लोअर लगा हुआ है, फ़ैन नहीं है। तो देखते हैं कि इसकी आवाज़ कितनी है, अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका इसका जो पूरा लुक एंड फील है। अगर मैं इसका वायर को पूरा ओपन करूँ तो मेरे ख्याल से 1-2 मीटर तो होनी चाहिए, ये सिंगल हैंड से हो नहीं पा रहा, कोई नहीं। ये देखिए ये वायर एक, हाँ लगभग 1.5-2 मीटर की तो है आराम से, उसमें कोई इशू नहीं है। और ये देखिए इसको अगर ओपन करें, देखिए यहाँ पर एक जाली मिलती है,
इस जाली को अगर ओपन करें तो यहाँ पर हमको हनी कॉम का पैड देखने को मिलता है, और ये जाली दी गई है ताकि यहाँ पर धूल वूल ना आए और मच्छर या कीड़े वगैरह इंसेक्ट्स ना आए, तो उसके लिए ये दी गई है। काफ़ी मजबूत किस्म की जाली है, काफ़ी अच्छा सिस्टम लग रहा है। यहाँ पर पावर कंजम्पशन देख सकते हैं आप 80 वाट का है, मॉडल का नाम है एलिगेंट 12, और आपको प्रिवेंट के लिए ऑप्शन दिया रखा है। आप यहाँ देखिए कूलर का मेन प्लग निकाल लें, पंप के साथ पेज पंप के पेज खोलें, अगर पंप की सफाई के निर्देश दिए हुए हैं यहाँ पर, चलिए वो कोई बड़ी चीज नहीं है। तो बात देख लें यहाँ पर पाइप को जाने के लिए, पानी भरने के लिए यहाँ पर एक और दे रखा है होल। तो भाई मज़ा आ गया, काफ़ी अच्छा सा है। यहाँ जो भी आपका पानी का लेवल पानी एक्स्ट्रा होगा वो यहाँ से ओवरफ्लो हो जाएगा। तो जैसे बड़ा कूलर होता है उस तरह का ही सब कुछ दे रखा है। बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, मस्त है, ज़बरदस्त है। तो चलिए अब इसको ओपन कर देखते हैं। अभी मैं इसको ऑफ़ करूँगा, ये जो आपका पंप है ऑफ़ रहने दूँगा क्योंकि मैंने पानी नहीं भरा अभी। तो यहाँ पर केवल स्विंग वगैरह करके देख लेंगे और इसकी जो आवाज़ है वो चेक करेंगे और इसकी स्पीड कितनी है वो चेक करेंगे। तो दोस्तों मैंने इसको प्लग कर दिया है वायर से, इसमें मेरे कंप्यूटर लगे हुए हैं, यहाँ पर वायर से मैंने प्लग किया है। अब देखते हैं इसका स्पीड तो काफ़ी अच्छी है। अगर मैं आपको एक आइडिया के लिए बताऊँ तो देखिए ये बिल्कुल सीधा है, बिल्कुल सीधा नहीं हो पा रहा, ये काफ़ी तेज इसकी हवा है, इसका एयर फ्लो काफ़ी अच्छा है। अब हम अगर इस एयर फ्लो को सीधा करना चाहें तो केवल स्विंग करते हैं, कूल स्विंग नहीं करते हैं, ये अंदर वाले जो है लीवर है वो चलने चाहिए। देखिए ये आ रहे हैं, बिल्कुल सही काम कर रहा है, ये कोई भी इशू नहीं है, काफ़ी अच्छी तरीके से। अब देखिए सीधे हो गए बिल्कुल ये, और यहाँ पर देखिए काफ़ी ज़्यादा मेरा डिलीवरी है, मतलब एक पर्सनल अगर कोई इंसान बैठा हुआ है तो उसके लिए तो ये मोर देन इनफ है। काफ़ी अच्छी इसमें हवा का आनंद मिल रहा है। अब इसको ज़रा कुछ पानी वगैरह डाल के मैं आपको बताऊंगा कि इसकी कूलिंग वगैरह कैसी है। अच्छा चलिए फ़ैन का देखते हैं, ये हाई है, आप इसका जो है नॉइज़ सुन सकते हैं, उसके बाद ये मीडियम हुआ और ये लो हुआ, तो यहाँ पर तीनों फंक्शन सही से काम कर रहे हैं। ये देखिए लो है, ये मीडियम है और ये हाई है, तो बिल्कुल सही तरह से काम कर रहे हैं तीनों चीज़ें। तो अब इसको वाटर डाल के पानी डाल के इसका चेक करते हैं कि इसकी कूलिंग कैसी है, और कूलिंग क्योंकि मैं आपको दिखा तो पाऊंगा नहीं, मैं खुद फील करके आपको बताऊंगा कि इसकी कूलिंग कैसी है। और दोस्तों अगर इस मिनी कूलर के बारे में आपके कोई भी कमेंट है या कोई राय है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। ये उस पर्पज़ के लिए है, कोई इंसान मान लीजिए शॉप पर बैठा हुआ है अकेले सिंगल पर्सन के लिए है, या फिर अपना काम कर रहा है, जैसे मैं यहाँ पर मेरा यहाँ पर वर्क स्टेशन ये है, मैं यहाँ पर लगाऊंगा इसको, तो कोई काम कर रहा है या बैठा हुआ है या सिंगल पर्सन, मतलब ये आपके रूम को ठंडा नहीं करेगा लेकिन सिंगल पर्सन को ये कूलिंग देगा, उसका पर्पज़ ये है। तो इससे अगर जुड़ी आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझको नीचे बताइएगा, मैं आपको सारे क्वेश्चन का आंसर तुरंत ही दूंगा। तो अब मैं टेस्ट करने जा रहा हूँ उसकी कूलिंग और मैं आपको बताऊंगा उसका फीडबैक। दोस्तों ये आप देख सकते हैं किस तरह पानी का फ्लो हो रहा है, तो काफ़ी अच्छा सारा कुछ इन्होंने सिस्टम बना रखा है। मैं तो कहूँगा इसको स्मॉल वंडर, इतना छोटा कूलर, अब देखते हैं इसकी एफिशिएंसी कितनी है इसकी कूलिंग की। दोस्तों आपने देखा किस तरह वंडर है ये छोटा सा मिनी कूलर, और मैं आपको बताऊं इसकी पानी जब हम लोग ऑन करते हैं तो उस कूलर में काफ़ी अच्छी हवा आती है, ठंडी हवा आती है जैसे कि नॉर्मल बड़े कूलर में आती है, वैसे ही छोटा होते हुए भी ये काफ़ी ठंडी हवा देता है। और आपके वर्क फ्रॉम होम या फिर आप अगर आपका कोई मतलब आपने सेटअप ना रखा है जहाँ पर अपना काम करते हैं ऑफिस का, तो अगर वहाँ पर आप रखेंगे, जैसे मैं सपोज करिए मेरी ये वाली टेबल है, मैं इसको अगर यहाँ पर रखता हूँ ताकि केवल मुझको उसकी हवा आ सके, तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है ये पर्सनल कूलर के लिए। और दोस्तों आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो कि ये पर्सनल कूलर है और बड़ा वाला कूलर की बराबरी नहीं कर सकता, ये केवल सिंगल पर्सन के लिए है जो कि आपके फेस पे लगा रहेगा और आपको कूलिंग का एहसास देता रहेगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप मुझे कमेंट जरूर बताइएगा। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।